पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज की हमारी खास मेहमान है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड एडमायर्ड एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, जिनकी हर अदा पर लोग फिदा हैं। वो इस वक्त बात करने आई हैं अपनी सून टू रिलीज वेब सीरीज हसरतों के बारे में। बात कर रही हूँ द टैलेंटेड गॉर्जियस एंड वर्सेटाइल एक्टर अदा खान की, जिनसे ऑफकोर्स ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अदा, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Nidhi. Thanks a lot. And it's a pleasure being here. Seriously. I was going to say the pleasure is all ours, because क्या होता है ना, टीवी के कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको हर घर में जाना जाता है, मॉम से लेके उनके साथ बैठ के जब हम लोग को टीवी देखना होता है, तो आप वो चेहरा है। सो इट्स रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू टुडे। Thank you so much, Nidhi. सच्ची में अच्छा लगा ये सुन के. मम्मी को नमस्ते कहना जरूर. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक्चुअली उनको बताया कि किसके साथ इंटरव्यू है, तो नाम से रिलेट नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने बोला शेषा, बोलते अच्छा अच्छा शेषा, अच्छा 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 हाउ स्वीट. या थैंक यू तो आपके पास्ट और आने वाले जो जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं हसरतों की। व्हाट इज द जी. सीरीज अबाउट? सो बेसिकली हंगामा प्ले एक नया शो ला रहा है जिसका नाम है हसरते. एंड इट्स फाइव डिफरेंट स्टोरीज ऑफ फाइव डिफरेंट वुमेन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. एंड उनकी अलग अलग डिजायर्स है जो ऑब्वियसली इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन आर नॉट इवन अलाउड टू हैव एनी काइंड ऑफ डिजायर्स, एंड अगर होती भी है तो उसे सप्रेस की जाती है, रोकी जाती है. सो दीज फाइव वुमेन दे स्टैंड अप फॉर देम सेल्फ, दे डिफाई ऑल द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड दे गो टूवर्ड्स यू नो फुलफिलिंग देयर डिजायर्स. दैट इज हसरते ऑल अबाउट. एंड एज यू नो हंगामा प्ले हमेशा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है. ये मेरा तीसरा शो है उनके साथ. सो आई हैड डन शुभ मंगल में दंगल जो मेरा पहला कॉमेडी शो था. एंड देन आई डिड रात्रि के यात्री एंड अब हसरते आ रहा है. मेरी कहानी का नाम है खिलौना और मेरे कैरेक्टर का नाम है करुणा. ये जी एंथोलॉजी है अलग अलग कहानियों की, या कहीं जो किरदार हैं वो मिलते हैं, कहीं जुड़ती हैं उनकी कहानियां? नो 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 इट्स एन एंथोलॉजी. या एंथोलॉजी है, अलग अलग कहानियां है, अलग अलग कैरेक्टर्स है, पांच अलग वुमेन है विद डिफरेंट स्टोरीज ऑल टुगेदर. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट यू। या हु इज करुणा, और कितना आपने उसके कैरेक्टर्स, पहले तो उसके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है, एंड हाउ मच हैव यू रिलेटेड टू इट? हाँ सो वेल करुणा इज वेरी सिंपल हाउस वाइफ. ओके और उसका जो हस्बैंड है आई वांट टू रिवील टू मच, बट या शी इज मैरिड बट शी इज ऑब्वियसली अनहैप्पी इन हर मैरिज एंड एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी सेज इट ऑल शी इज जस्ट बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट यू नो खिलौना. सो बट शी हैज हर ओन डिजायर्स एंड शी हैज हर ओन थिंग टू बी लव्ड एंड हाउ शी काइंड ऑफ फाइंड्स something and she wants to, but yet she's hesitant because of the society. And yes, for me this is a character, something that I'm doing for the first time, which is why मैं थोड़ी सी झिझकती मुझे ये शो करने में या ये कैरेक्टर करने में. लेकिन जो हमारे डायरेक्टर है हेमंत प्रभु जी और जो हमारा प्रोड्यूसर्स है शकुंतलम, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर ऑफ कोर्स, लेकिन जो शूट होगा, जो कैरेक्टराइजेशन होगा, उसमें कोई बल्गैरिटी या बोल्डनेस नहीं होगा. एवरीथिंग इज शॉट वेरी एस्थेटिकली. सो विच इज वाई मैंने ये शो किया. हाँ बोला, आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन हेमंत प्रभु जी एंड इट वॉज शॉट ब्यूटिफुली. ही शॉट रियली ब्यूटिफुली एंड आई रियली होप कि लोगों को ये कैरेक्टर अच्छा लगे. राइट, बट आपने रिलेट कितना किया उससे? आई मीन लीविंग द स्टोरी असाइड, आई एम श्योर करुणा के अपने कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे अपार्ट फ्रॉम जो उसकी हसरत है, तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड एज अदा आपने हाउ मच डिड यू रिलेट टू देम? सो बेसिकली करुणा अपनी शादीशुदा जिंदगी में शी वॉज प्री पेशेंट, मतलब काफी उन्होंने सबर किया है एंड वट एवर शी कुड टेक शी कुड टेक, मतलब वो बहुत सही है उस मैरिज में. लेकिन बाद में अगर किसी का थ्रेशोल्ड हो जाता है ना फुल बर्दाश्त करने का, देन यू काइंड ऑफ के सब दुनिया जाए
भर में में. आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, एंड वही करुणा का ब्रेक पॉइंट है. सो आई थिंक दैट शी स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए एक स्टेप लेती है, इज समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट हर. तो दिस इज वॉट शी इज एंड दैट्स वॉट आई लाइक. सिर्फ सह नहीं रही है, अब राइट उन्होंने जितना सहना था सह लिया है, अब वो अपने लिए खड़ी हो रही है एंड नाउ उसे अपने बारे में सोचना है. दैट्स वॉट मैटर्स. करेक्ट करेक्ट. बट यू नो आधा आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टोरी जो है, आई एम श्योर बाकी की जो भी 4 स्टोरीज होंगी, ये वैसी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरत ऐसी होगी जो बोलेगी वो शायद करुणा है, शायद ये उसकी ही लाइफ की स्टोरी है, तो ये बहुत ही रिलेटेबल हो जाएगा. जी. तो हंगामा प्ले ने मतलब इसलिए ये कॉन्सेप्ट चुना है, वुमेन बेस्ड कहानी है, हर कहानी ही अलग है. आई एम श्योर यू नो ऑडियंसेस विल रिलेट टू सम वन और दी अदर, यू नो, बिकॉज सबकी अलग अलग अनोखी कहानी है और कहीं ना कोई इस सिचुएशन से गुजरा होगा या गुजर रहा होगा. So I hope that people like it and they kind of like the whole concept as well. अच्छा, और जैसे आपने कहा था कि आप थोड़ा सा हेजिटेंट थे शुरू में के टू एक्सेप्ट द रोल और हाउ विल यू बी एबल टू डू इट, एंड ऑफ कोर्स देन यू गॉट अ लॉट ऑफ बूस्ट फ्रॉम योर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स. तो आपके रोल की प्रेप के लिए कुछ खास आपने किया? डिड यू मे बी डू समथिंग टू गेट योर सेल्फ इन टू दैट मोल्ड ऑफ करुणा? See, एवरी एक्टर, मतलब हर एक्टर ये है कि यू नो कैरेक्टर में घुसना बहुत ज्यादा जरूरी है. और एंड ऑफ कोर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करना होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर नॉट स्टीरियोटाइप्ड एज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टर. जैसे यू नो आई हैव ट्राइड माई हैंड्स ऑन पॉजिटिव, ऑन नेगेटिव एज वेल एज कॉमेडी, एंड एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू कीप एक्सप्लोरिंग मोर. तो ये मेरे लिए एक अलग जॉनर था, एक अलग फील्ड थी. और मैं एक डायरेक्टर की एक्टर हूँ, मेरे डायरेक्टर मुझे यू नो जैसे कहेंगे आई वुड आई आई काइंड ऑफ गेट इन टू दैट और फिर मैं वो पोर्ट्रे करती हूँ. तो मेरे लिए आसान हुआ करुणा में करुणा के कैरेक्टर में जाना, बिकॉज हेमंत प्रभु जी ने मेरी बहुत मदद की. एंड ऑफ कोर्स जो मेरे को एक्टर थे रवि, इवन ही वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि आपने बहुत सारे ऑफ कोर्स जॉनर्स ट्राई किए हैं, और आई थिंक कोई फॉर्मेट शायद नहीं है एंटरटेनमेंट का जहां अदा आप नहीं रही हैं और लोगों ने आपको पसंद भी बहुत किया है. सो अभी तक के थैंक एक्सपीरियंस को यू. अगर आप सम अप करना चाहें, हाउ हैज द जर्नी बीन? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन 13 इयर्स नाउ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यू नो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, ऑल द ऑडियंसेस एंड यू नो इतना सराहा है, बिकॉज यू नो इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि लोग भूल जाते हैं यू नो. एंड व्हेन पीपल स्टिल रिमेम्बर व्हाट द शोज यू हैव डन, लाइक दे रिमेम्बर माय शोज लाइक बहनी एंड अमृत मंथन एंड दे स्टिल रिलेट द कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड. एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई कुड get the love in spite of doing negative characters. Also, people have showered me with love, so I think I'm gonna always be very grateful, yaar. And it's a long journey, inshallah. I have more to come. Yes, touch wood to that, fingers crossed to that. और फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं, आपने ऑडिबल भी कर लिया हेलो जादू, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जहां पर एक एक्टर तो यू नो मतलब उसको तो शक्ल उसकी दिखनी चाहिए, कौन से एंगल से हम अच्छे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यहाँ आवाज का खेल है, आवाज से आपने एक्टिंग की, हाउ वाज इट? इट वॉज ऑब्वियसली इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज एक्टिंग में तुम यू नो यू यूज योर फुल बॉडी, योर एक्सप्रेशंस, यू नो सो यू कैन पोर्ट्रे, हम बेसिकली आंखों से भी एक्टिंग हो जाती है. हाँ बट यहाँ जिस आवाज है और आवाज से कैसे खेलना है, एक एक ब्रेथ कितनी जरूरी होती है और ब्रेथ से कैसे खेलना है, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई लर्न. एंड आई मीन I think that was a very beautiful experience, and the whole team was so good. I loved it, really. I really loved it, और मुझे बहुत मजा आया ऊपर से. हेलो राइट अच्छा, बट जानू. अदा अभी जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं, स्पेशली आउट ऑफ बिकॉज ऑफ ओटीटी देयर इज सो मच हैपनिंग, बट एक चीज है, मैं कहीं पढ़ भी रही थी, समबडी हैड रिटन आल्सो दैट आपने उतना जो मशरूमिंग हुई ऑफ रोल्स ऑफ पीपल यू नो डूइंग अ लॉट ऑफ स्टाफ,
वी डिडंट सी यू दैट मच, यू हैव बीन वेरी सिलेक्टिव. तो क्या सबसे बड़ी वजह रही है उसकी? हाउ डू यू सिलेक्ट योर रोल्स एंड हाउ डू यू से यस टू और नो टू अ प्रोजेक्ट? आई डोंट नो, आई फील सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन जो होती है वो ज्यादा मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और मेरा कैरेक्टर क्या है. आई लव डूइंग पावरफुल रोल्स कि वो इम्पैक्ट ऑडियंस पे छोड़े, और आई लाइक इट कि चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट एक लोगों को याद रहना चाहिए कि मैंने ये कैरेक्टर किया है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक, स्टोरी एंड ऑफ कोर्स द कैरेक्टर. और दूसरी चीज ये, मैं बहुत ज्यादा मतलब आते हैं ऑफर्स, बट आई डोंट प्रेफर डूइंग लॉट ऑफ बोल्ड कंटेंट बिकॉज आई लाइक वॉचिंग माई शोज विद माई फादर, एंड आई वुडन्ट वॉन्ट टू डू एनी थिंग जो मेरे डैड नहीं देख सके, यू नो. सो इवन दिस मैं इसलिए हेजिटेंट थी कि यू नो विल इट बी ओके नॉट ओके, बट देन आई वॉज कन्विंस दैट इट इज फाइन, एंड यू नो, और द वे इट वॉज शॉर्ट आई थिंक इट वॉज प्री डिसेंट. सो या एंड यू नो, ये जो आप बोल रही थी ना कि यू आर अ लिटिल हेजिटेंट, आप उस तरह के रोल्स करना नहीं चाहती जो आप अपनी फैमिली के साथ देख ना सके, आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन भी है. अगर जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, आप उन चुनिंदा हाउस होल्ड नेम्स में से हैं कि किसी एक्टर को शक्ल से भले ना जानो लेकिन जब मतलब नाम से ना जानो लेकिन अच्छा ये वो है, इन्होंने वो काम किया. सो फैमिलीज टॉक अबाउट दोज एक्टर्स, आप उस लिस्ट में हैं. थैंक यू नदिया, वेरी स्वीट No, बट जेनुअनली दिस इज ऑफ कमिंग फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, वॉट आर द काइंड ऑफ रोल्स जो आप करना चाहती हैं? जैसे हर एक्टर की एक हसरतों की लिस्ट होती है ना कि यार ऐसा रोल मिले, ऐसा प्रोजेक्ट मिले. तो अदा के लिए यू. वो हाँ, किस तरह के प्रोजेक्ट्स और रोल्स होंगे जिनको आप हाँ कहने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे? यू नो आई बिलीव कि जिंदगी में ना सरप्राइजेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और मेरे लिए ना जब मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इस कैरेक्टर को वो कैरेक्टर बनाना है जो पीपल शुड रिमेम्बर, एंड फिर लगे कि हाँ ये मेरा था, यू नो. लाइक आई डोंट वांट टू से कि मुझे ये रोल करना है या वो रोल करना है, आई जस्ट वांट टू मेक माय कैरेक्टर लाइक अ ड्रीम रोल. नाउ आई मेरे को ऐसे लगा नहीं था कभी कि शेषा वुड बिकम यू नो सो राइट. ह्यूज. इट वाज अ सरप्राइज दैट लाइफ गेव मी, यू नो, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंसेस लव्ड शेषा एंड दे स्टिल यू नो रिमेम्बर इट. सो आई वुड से ओके ये था वो रोल जो टुक मी हियर. सो वैसे ही रोल अगर मुझे कोई पावरफुल मिले, आई वांट टू मेक इट द पीपल से कि हाँ दिस इज अ काइंड ऑफ रोल दैट आई वांट टू डू. सो राइट. इंशाल्लाह समथिंग नाइस दैट कम्स अप एंड आई वुड बी एबल टू मेक इट मोर loved then Shesha, now that is the next step. राइट. एंड मे द यूनिवर्स बी लिसनिंग टू इट कि आप जो कह रही हैं वो रेजोनेट है, कि वापस आपके पास आए, उस तरह के रोल्स एंड ऑफर्स आपको मिले. बिकॉज इंशाल्लाह यू नो, एज ऑडियंस हमें भी अच्छे कंटेंट तो चाहिए लेकिन उस कंटेंट को परोसने वाले अच्छे एक्टर्स भी चाहिए. सो वी आर ऑल्सो ग्रीडी दैट आपको बिल्कुल बहुत ढेर सारा काम मिलते रहे. इंशाल्लाह. राइट. बट लास्टली थैंक यू नदी. आपकी ऑडियंस के लिए यू नो, 2 चीजें. एक तो अपने फैंस को आप कहना क्या चाहेंगे, एंड सेकेंडली फॉर हसरते व्हाट इज योर मैसेज फॉर द ऑडियंस? अपने सारे फैंस को ये कहूंगी कि थैंक यू, आप हमेशा बहुत ज्यादा पेशेंस रहे हो योला, यू नो, बिकॉज अगर काफी टाइम तक उनके फेवरेट एक्टर स्क्रीन पे दिखते नहीं है, वो थोड़े से डिसहार्टेंड हो जाते हैं. बट आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैंस हु ऑलवेज बिन सपोर्टिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी, और यू नो, एंड दे रियली वेट कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है. सो आई वुड लाइक टू टेल यू 12 दिसंबर को हसरते आ रहा है ऑन हंगामा प्ले. सो प्लीज डू वॉच इट, और जरूर बताना आपको करुणा का कैरेक्टर कैसे लगा. राइट. सो वी विश यू ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ यू नो दिस सीरीज, एंड ऑफ कोर्स ऑल द फ्यूचर वर्क दैट यू डू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी सच मोर इंटरव्यूज विद यू. थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. सेम हियर, प्लेजर इज ऑल माइन वंस अगेन. थैंक यू सो मच.